इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरा है। 400 का पार का नारा किस लिए था? जो हमें समझ में आया वो इसलिए था कि उसमें संविधान बदलने की बात थी, उसमें आरक्षण रद्द करने की बात थी और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की बात चल रही थी। हमारा चर्चा इसलिए है क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम देश के लिए लोकशाही की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं। झटका जो इनको लगा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 240 सीट के बदले इनको 440 वोट का झटका लगा और इनको अपेक्षा नहीं थी। हमें बहुत दुख होता है सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की नग्न झंड निकालना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए और किसी भी स्टेट के लिए सम्माननीय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सही नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसद में उसका उल्लेख नहीं हुआ। श्रीमती वर्षा गायकवाड़, सर मी आज महामहिम राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरती जे आहे ते आपले विचार मांडण्यासाठी या ठिकाणी उभी आहे। दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, क्रांतिज्योती सूर्य महात्मा फुले, क्रांतिज्योती सूर्य सावित्रीबाई फुले, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पावन विचाराने चालणारा महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या जनतेने दाखवून दिलं की सरकारी तिजोरीचा वापर हा स्वतःच्या फंडासाठी वापरला, सरकारी यंत्रणांचा वापर केला, सत्याची अंमलबजावणी केली तरीसुद्धा गद्दारांना महाराष्ट्रामध्ये थारा मिळणार नाही आणि त्या ठिकाणी जो 400 पारचा नारा दिला होता ते स्वप्न भंग करण्याचं काम महाराष्ट्राने केलं, त्याबद्दल महाराष्ट्राच्या जनतेचं मी या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय खूप धन्यवाद व्यक्त करते। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में मैं अपेक्षा कर रही थी कि क्योंकि हम पहली बार सांसद बन के चुन के आए हैं तो मैं अपेक्षा कर रही थी कि उसमें नीति की बात होगी, दिशा की बात होगी, दशा की बात होगी और आने वाला एक साल का जो है वो क्या कार्यकाल रहने वाला है उसको हमें पूर्व कल्पना उससे मिल जाएगी। मैं अपेक्षा कर रही थी अध्यक्ष महोदय के महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लिंक हो, सामाजिक तनाव हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सारे मुद्दों के ऊपर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय इस बार बात होगी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने निवडणूक आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जो तारीफ की है उसके मामले में थोड़ा सा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हम सब संसद के लोगों ने चंडीगढ़ का तो इलेक्शन सन्माननीय अध्यक्ष महोदय देखा ही था कि जिस तरह से वो रिटर्निंग ऑफिसर काम कर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तो सन्माननीय अध्यक्ष महोदय चुनाव आयोग का काम भोगा भी है। मैं इसलिए भोगा शब्द सन्माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे दो पक्ष तोड़े गए, जिस तरह से दोनों पक्ष के चिन्ह बदले गए और उसके बाद जो इलेक्शन आया, सन्माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से और निष्पक्ष होकर इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कहना पड़ेगा कि मशीन पर एक जैसे चिन्ह होने नहीं चाहिए, ये क्राइटेरिया है। लेकिन हमने महाराष्ट्र में देखा कि जहाँ पे तुतारी थी वहाँ पे पिपानी थी, जहाँ पे मशाल थी वहाँ पे आग फेंकने वाली वो क्या कहते हैं चिमनी थी, तो इस तरह के काम जो है मशीन पे किए गए। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक कैंडिडेट के तीन तीन नाम, चार चार नाम, वर्षा गायकवाड़ के सामने दो वर्षा गायकवाड़ आई, तो इस तरह से जो इलेक्शन लड़ा गया मैं नहीं समझती सन्माननीय अध्यक्ष महोदय ये योगायोग था, ये पूरी तरह से सन्माननीय अध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं सोची हुई बात थी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 400 पार का नारा था और 400 पार के नारे के लिए ये सब चल रहा था क्या? ये भी कहीं ना कहीं हमारे जैसे नए सांसदों के मन में बात उठी। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 400 का पार नारा क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया, जैसे आपको पता है कि पिछले बार हमने देखा कि सांसद में 150 सांसद को सस्पेंड किया गया, फिर तीन कानून लाए गए, किसान का कानून लाया गया, तो 400 का पार का नारा किस लिए था? जो हमें समझ में आया वो इसलिए था कि उसमें संविधान बदलने की बात थी, उसमें आरक्षण रद्द करने की बात थी और उसमें बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को कुचलने की बात चल रही थी। और सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हम नहीं कह रहे, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के सांसद के द्वारा आई हुई बात है जो मैं यहाँ से रखना चाहती हूँ, बिल्कुल हाँ यहाँ से रखना चाहती हूँ। लेकिन सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने इनका सपना संपुष्टित किया और 240 जो है इनको सीटें दी, लेकिन झटका जो इनको लगा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 240 सीट के बदले इनको 440 वोट का झटका लगा और इनको अपेक्षा नहीं थी।
इनको अपेक्षा नहीं थी कि जनता हमें इतना बड़ा झटका देगी। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई बात कर रहे थे, हमारे सांसद, और मुझे हमें पूछ रहे थे कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं। सुनिए भाई साहब, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारे सांसद पूछ रहे थे संदीप पात्रा जी कि आप खुश क्यों हैं। हम इसलिए खुश हैं कि मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। शेर यह है कि इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, इतना भी गुमान ना कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा चर्चा मेरा है। अरे वाह वाह वाह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कि हमारा चर्चा इसलिए है क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम देश के लिए लोकशाही की बात कर रहे हैं, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ महंगाई के ऊपर, हम मोदी जी का नाम सुनते तो म से महंगाई आनी चाहिए, और जब महंगाई की बात आती है तो आपको पता है कि बढ़ती महंगाई महिलाओं के लिए और हमारे देश के लिए आज सबसे बड़ी समस्या बन गई। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, कितने अफसोस की बात है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, यहाँ हम सब महिलाएं बैठी है और इस अभिभाषण में महंगाई के का एक शब्द यहाँ पे उपस्थित नहीं किया है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जिक्र ही नहीं है इस पूरे भाषण में। आज कमर तोड़ महंगाई के आज गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार है जिनका जीना मुश्किल हो गया सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दाल आपको मालूम है, टमाटर, आटा और प्याज, दूध, आज सब की चीज़ें जो है तो दाम बढ़ गए हैं, उस पर GST भी कुछ चीज़ों के ऊपर लगाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, चाहे वो दही हो, पनीर हो, दूध हो। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज परिवार की बचत जो है 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पे जो सन्मान्य अध्यक्ष महोदय गई है, क्यों गई है? आज परिवार में बचत नहीं हो पा रही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये दुर्भाग्य है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। 4 महीने से जो फूड इन्फ्लेशन का है वो 8.5 से रेट जो है वो अधिक हो गया है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। आज रोज दुगनी तिगनी जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, रात चौगनी जो है वो महंगाई बढ़ रही है, और सन्मान्य अध्यक्ष महोदय इसका शब्द इस अभिभाषण में नहीं है, ये मुझे सबसे बुरा लगा है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग महाराष्ट्र की असेंबली में काम कर रहे थे या संसद में भी काम कर रहे हैं, जब मणिपुर की बात आती है तो हम महिला है, हमें बहुत दुख होता है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। महिलाओं की नग्न झंडा निकालना ये किसी भी देश के लिए, किसी भी संस्कृति के लिए और किसी भी स्टेट के लिए सन्मान्य महोदय अध्यक्ष महोदय बिल्कुल सही नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्यवश इस संसद में उसका उल्लेख नहीं हुआ। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए नहीं। पिछले 13 महीनों में सन्मान्य अध्यक्ष महोदय 221 लोगों की इसमें जान गई। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, और इसके बावजूद सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहती हूँ कि इसके लिए कोई भी जो है इस पूरे भाषण में एक शब्द नहीं है। जो भाषण में शब्द है वो सिर्फ है, जो आपको पता है, उत्तर पूर्व राज्यों की सुरक्षा की बात की गई है। मेरा यह अपेक्षा था कि इसमें मणिपुर की महिलाओं के लिए, मणिपुर की जनता के लिए यहाँ से एक प्रबोधन जाएगा और उनको विश्वास दिलाया जाएगा कि उनकी सुरक्षा के लिए आने वाले सालों में काम किया जाएगा। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, हम म से महिला सुरक्षा की बात करते हैं। आज महिला सुरक्षा की बात हुई, आज सुबह ही मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ने इंडिया की टीम जीती उसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया। हम महिलाएं हैं, हम अपेक्षा करते हैं, हमारी खिलाड़ियां महिलाएं कैसे आती है आप जानते हो, जब सामाजिक जीवन में, राजनीति में, आर्थिक नीति में, सांस्कृतिक नीति में या खेल में जब हम आते हैं ना अध्यक्ष महोदय, बहुत संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचते हैं महिलाएं। और जब हम अपनी यौवन की पीड़ा की बात जब लोगों के सामने कहते हैं उसके लिए बहुत हिम्मत लगती है। मैं उन सभी लड़कियों से यहाँ से कहना चाहती हूँ कि हम संसद में उनकी आवाज़ बनकर यहाँ से आपसे पूछना चाहते हैं, बृजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ? कुछ उसके साथ नहीं हुआ। मैं ये इसलिए भी कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय क्योंकि संसद को पूरा देश देख रहा है और इस देश को हमसे अपेक्षा है, आपसे अपेक्षा है, आपकी चेयर से अपेक्षा है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जब मैं संसद भवन में आई मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, लेकिन मुझे और अच्छा लगता कि संसद भवन का उद्घाटन और भूमि पूजन दोनों महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से होता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि एक महिला, एक आदिवासी महिला को उसका मान मिल जाता, एक दलित जो हमारे सन्मान्य राम कोविंद जी थे महामहिम राष्ट्रपति, उनको ये सम्मान मिल जाता। श्री राम जी का मंदिर हुआ लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं गया। मैं इसके लिए भी खेद व्यक्त करना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी का पद ये देश का सर्वोच्च पद है, उनको उनकी गरिमा और उनका सम्मान मिलना चाहिए सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं मां से मुंबई की रेलवे के बारे में, जो हमारी रेल व्यवस्था है उसके बारे में और उसके सुरक्षा के बारे में थोड़ा बात करना चाहती हूँ, जो आजकल राम भरोसे चल रही है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ NCRB के मुताबिक 2017 से 2021 तक ट्रेन जो हादसे हुए सन्मान्य अध्यक्ष महोदय,
इसमें जब लगभग 1,00,000 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह NCRB का रिपोर्ट कह रहा है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। आज आपको पता है अध्यक्ष महोदय, मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है और मुंबई की जो सबसे बड़ी लाइफ लाइन है वो रेलवे है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। आज ऐसी अवस्था है कि अगर रेलवे लड़खड़ा जाती है तो मुंबई शहर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय लड़खड़ा जाता है। आज अध्यक्ष महोदय मुंबई का आप देखेंगे तो हर दिन 7 लोगों की जान ये ट्रेन दुर्घटना में जाती है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ऐसा है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, 2023 मैडम अध्यक्ष महोदय मेरे को पहली बार बोल रही हूँ, थोड़ा मेरा 4-5 ही पॉइंट है सर। बोलो। सर 2023 में आप देखेंगे सेंसेक्स तो 2,590 लोग जो है उनकी ट्रेन की दुर्घटना में जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मौत हुई है, और इसके बावजूद भी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आप देखेंगे तो 2,441 लोगों को जो है वो चोट आने का काम हुआ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ हाल ही में मुंबई के हाईकोर्ट ने जो है आपको मतलब रेलवे को लताड़ा है और ये कहा है कि जानवरों की तरह आप लोगों को लेके जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ सभी भाषण के माध्यम से कि हमारे मुंबई की जो रेल अवस्था है इसको सुधारने का काम सन्मान्य अध्यक्ष महोदय होना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आपको मैं बताऊँ अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे गई जहाँ पे मुझे ट्रेन पकड़नी थी। आप कभी रेलवे स्टेशन पे मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि रेलवे मंत्री जी को भेजना चाहिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए जो दूर की रेलवे होती है ना 30-30 घंटा लेट होती है, 20-20 घंटा लेट होती है, लोगों को ले बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, बच्चों को लेकर जो औरतें जमीन पर बैठती है उसको दूध मिल लेने के लिए कैंटीन नहीं है, कहीं फायर की व्यवस्था नहीं है, ना कहीं लोग उनके सपोर्ट के लिए मदद के लिए नहीं आ रहे, लोग वैसे के वैसे बैठे रहते हैं जिनके पास कोई व्यवस्थापन नहीं सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कि आप इसमें ध्यान दें, रेलवे का इतना बड़ा बजट है तो उसमें हम सबको जो सुविधा चाहिए उस सुविधाओं के ऊपर सन्मान्य अध्यक्ष महोदय ध्यान दें, ये मैं आपसे विनंती करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं महाराष्ट्र और मुंबई के लिए मत से कुछ कहना चाहती हूँ। मैडम प्लीज। यस अध्यक्ष महोदय, मेरा दो ही पेज फिर भी अध्यक्ष महोदय मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, मैं खत्म कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय की मैंने देखा कि हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए Please, 1 second. Yes, sir. I object to your remarks. Nobody can stop. No, of course you can, sir. Please take back your words. I took it back. Please, madam, continue. Yes, sir. Sir, Maharashtra se aur Mumbai se main maa se ye kehna chahti hu ki sir, pure abhibhashan mein hamara sirf ek hi ullekh hai. Aur wo ye hai ki hamari jo train ja rahi hai, bullet train, jo Ahmedabad se Mumbai aa rahi hai, sirf isi ka zikr hai, uske siwa Mumbai aur Maharashtra ka is abhibhashan mein kahi bhi koi zikr nahi. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मुझे कहना पड़ेगा, मेरा महाराष्ट्र केंद्र शासन को सबसे ज़्यादा बड़ा महसूल देता है और उसके बदले में हमें क्या मिलता है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की अध्यक्ष महोदय, तो महाराष्ट्र से अगर 1 रुपया जाता है तो केंद्र से हमें वापस सिर्फ 7 पैसा आता है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय ये हमारे ऊपर अन्याय है, ये हमें यहाँ से कहना है। अध्यक्ष महोदय मेरी एक मांग है कि टैक्स डिक्लेरेशन के बाद महाराष्ट्र का जो हिस्सा बढ़ाया जाएगा, मैं ये मांग करती हूँ कि टैक्स जो दिया जाएगा उसमें से महाराष्ट्र से जो टैक्स आएगा उसका 50% टैक्स जो है वो हमें मिलना चाहिए महाराष्ट्र की, वो हमारे विकास के लिए ज़रूरी चीज़ है, वो हमें मिलना चाहिए, ये मेरा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कहना है। अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र का किसान आज जो है वो हम कहते हैं कि बहुत बड़े संकट में है क्योंकि आसमानी संकट उसके ऊपर उसके साथ वो जूझ रहा है, लेकिन उसको केंद्र की मदद क्या मिल रही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय? कुछ भी मदद नहीं मिल रही। अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र के किसान की बात करें तो प्याज के किसान की बात करते हैं, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय आज ऐसी नीतियां बनाई गई कि आज दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ेगा इन्होंने एक्सपोर्ट बैन कर दिया जिसके कारण लोगों की जो आमदनी थी वो कम हो गई और किसान आज इतना परेशान है। मेरा आपसे विनंती है कि जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने या महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी हमने कर्जा माफ़ करने का काम किया था, उसी तरह किसानों का कर्जा माफ़ हो सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ से आपको ये विनंती करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं मत से महापुरुषों के बारे में बात करना चाहती हूँ और उनके स्मारकों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारे सन्मान्य एक खासदार साहब ने यहाँ पर बात की कि हमारे महाराष्ट्र के आद्य जो देवत हम लोग जिसको करते हैं या महाराष्ट्र की अस्मिता जिसको कहते हैं, सर मैं खत्म कर रही हूं, दो ही पेपर है मेरे पास। श्री के विश्वेश्वर सर एक मिनट श्री के विश्वेश्वर रेड्डी जी आप बात कीजिए प्लीज। ओके सर मैं लास्ट पॉइंट कर रही हूं सर लास्ट पॉइंट कि महाराष्ट्र के जो हमारे आराध्य देवत है या हमारे जो अस्मिता है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके अरबी समुद्र की स्मारक की बात हुई थी और देश के प्राइम मिनिस्टर ने
24/12/2016 को इसका जल पूजन किया था। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय अभी तक काम शुरू नहीं किया शिव स्मारक का। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मारक का जो है वो इंदू मिल का भूमि पूजन 2015 को किया गया था, 11/10/2015 को। अभी तक उसका सिर्फ 30% काम हुआ है। सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ये हमारे सबसे बड़े आराध्य देवत है, हमारी अस्मिता है, तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। ये मेरा यहाँ पे सन्मान्य अध्यक्ष महोदय है, बस मैं यही कहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।